लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी को 303 तो एनडीए को 350 से भी अधिक सीटें मिली, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार में 6 मंत्री ऐसे थे जिन्हें इस लहर में भी हार का सामना करना पड़ा। आखिर कौन से हैं ये मंत्री, देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की लहर होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से मंत्री हैं जो चुनाव हार गए। आवास एवं शहरी कार्य के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट से 90,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। रेल राज्य मंत्री रहे मनोज सिन्हा को बसपा उम्मीदवार अफजल अंसारी ने यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से करीब 1,20,000 वोटों से शिकस्त दी। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हंसराज अहिर को महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश नारायण धनुरकर ने 40,000 से अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया। वित्त राज्य मंत्री रहे पी राधाकृष्णन को तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संत कुमार एच ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी। शिवसेना के अनंत गीते भारी उद्योग और लोक उद्यमी मंत्री थे और इस बार महाराष्ट्र की रायगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें एनसीपी के सुनील दत्तात्रेय ने 30,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे केजे अल्फोंस को केरल की अरनाकुलम लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। केजे अल्फोंस सिर्फ चुनाव ही नहीं हारे बल्कि हालत इतनी खराब हुई कि वो तीसरे नंबर पर आए और उन्हें कांग्रेस के हेबी एडन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपने बूते पर 300 से अधिक सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के इन मंत्रियों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।